बैक टू माई YouTube चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जो लोग मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा नाम कविता है एंड मैं रामनगर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। सो एंड करंटली मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हुए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आज ही हुए हैं, आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सुबह 10K हुए हैं एंड मेरा ऑफ था तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है समर क्लोथ्स पे। तो मैंने अपने लिए समर के लिए कुछ शॉपिंग की है। अब होली चली गई है तो गर्मियाँ आ गई, समझ ही लो। तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग करते हैं तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगाए हैं, कुछ टॉप और कुछ ड्रेसेस मंगाए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है वीडियो को लेकर या कुछ भी, तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं एंड शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आइटम। तो ये है मेरा फर्स्ट परचेज। ये मैंने लिया है एक पिंक कलर का टॉप, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि ये सैटिन के कपड़े में है। एक्चुअली तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही किसी को पहने हुए देखा था इसी टाइप का कुछ टॉप, तो मैंने मार्केट वगैरह में चेक किया बट मुझे कहीं मिला नहीं। देन सो मैं ऐसे एक दिन मीशो स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये टॉप दिखा, मैंने कहा ओह मुझे मंगाना चाहिए। तो ये है टॉप, बहुत ही सुंदर है। इसकी स्लीव्स हैं फुल, बहुत अच्छी है। मतलब एकदम बोल्ड कलर है, मतलब आप पहनोगे एंड यू कैन रॉक। तो मतलब ऐसे जैसे अगर बर्थडे वगैरह में किसी चीज में आपको पहनना हो तो पहन सकते हो। एंड इसका प्राइस है, तो इसका प्राइस है 278, ठीक है। तो क्वालिटी बहुत ही सुंदर है एंड फ्रंट से इसका ऐसा है शेप है, ऐसा शेप है फ्रंट से एंड बैक से इस तरीके का कुछ स्पेस शेप आ रहा है। बात करें अगर इसके रेट की तो ये 278 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसको रेटिंग करना चाहूँ आउट ऑफ 5, सो आई गिव 4 बिकॉज मैंने इसे पहन के देखा बट मुझे बस एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अभी मैंने सिर्फ एक ही जने से सजेशन लिया अपनी बीच वाली सिस्टर से, तो उसने कहा रिटर्न कर दे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे से ये फूल जा रहा है थोड़ा सा, तो अभी मैं चेक करती हूँ अगर ये हो पाएगा मेरे से, मतलब वैसे घर पे किसी से स्टिच करवाने की, अगर हो जाता है तो मैं इसको स्टिच करवा के हल्का सा फिर पहन लूँगी एंड अगर नहीं हो पाता है तो शायद मुझे इसे रिटर्न। अगर मैं इसको पहनती हूँ ऐसे ना तो ये उठ रहा है थोड़ा सा, तो ये यहाँ से थोड़ा सा उठ रहा है, तो वही इसी चीज़ का मैंने देखना है। ये मैंने पंपकिन वाले टॉप ही मंगाए हैं सारे, मतलब मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं लेकिन ऐसे कद्दू की तरह नहीं होते यहाँ से, तो मोस्ट आजकल मुझे यही पसंद आ रहा है ऐसे ऐसे करके आगे से। सो चलिए मैं आपको अब इसको पहन के दिखाती हूँ, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा एंड अगर आपको मंगाना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए पहनते हैं। की तरफ तो मैंने मंगाई थी एक ड्रेस ब्लैक कलर की 10K के लिए, कि मतलब मेरे 10K होंगे तो मैं इसे पहनूंगी। तो 10K भी हो गए हैं, ड्रेस भी आ गई है। सो आज तो नहीं बट कल मेरी सिस्टर आ रही है। अगर शादी का ब्लॉग किसी ने नहीं देखा है तो अभी कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई है, तो वो अभी फर्स्ट टाइम आने वाली है कल, तो तब हम 10K का सेलिब्रेशन भी करेंगे एंड मैं ये ड्रेस भी पहनूंगी। तो ये बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लगी है, ये मैंने पहनी थी एक बार चेक करी थी तो वो उल्टी हो गई है, बस का उल्टा है वैसे। तो ये है ये ब्लैक कलर की ड्रेस। ये फुल स्लीव्स है, मतलब मैंने ऊपर से कुछ वो नहीं मंगाया, ऊपर से तो सिंपल सोबर मतलब काफ़ी ठीक है एंड नीचे से ये इतनी है,
मतलब मेरे नीस से नीचे को आती है, नीस से नीचे की है ठीक। सो नीचे से ये कट है ताकि आप कंफर्टेबल चलते रहें, है ना। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी है एंड मैं इसे कल पहनने वाली हूँ। तो क्या पता, हाँ पहले ये वीडियो जाएगी, हाँ पहले ये वीडियो जाएगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओनली ऑन पता कितने रुपए की है यार। एक्चुअली क्या होता है, जो पार्सल मुझे रखना होता है ना, उसका तो मैं एनवलप फेंक ही देती हूँ कि मतलब ये तो मुझे रखना ही है, अब इसका एनवलप जाए फिर लेने। और जो मुझे जिस पे मुझे डाउट होता है उसको संभाल के रखती हूँ। जैसे इसका मुझे डाउट है तो मैंने इसका संभाल के रखा था, तो अभी इसका तो शायद चला गया डस्टबिन में। मैं आपको बताती हूँ, ये था आपका आई थिंक 390 या मतलब ऐसे अंडर 400 की ड्रेस है ये। तो 400 में तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप जींस लेने भी जाते हो तो 600-700 रुपये की आजकल जींस मिल रही है, तो पूरी तो 400 रुपीज़ की ड्रेस काफ़ी अच्छी है ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इसे रखने वाली हूँ। इसे तो मैं रखने वाली हूँ, चाहे कोई कितना भी कुछ कहता रहे। तो चलिए मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। तरीके का टॉप है ये, मैंने लास्ट टाइम लिया था मीशो से एंड नीचे से मैंने पहना है ट्राउजर। तो ये जो ट्राउजर है ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉप। तो नेक्स्ट है ये टॉप। ब्लैक कलर का टॉप है ये, आपका है 280 समथिंग की रेंज में है, मतलब 280 ऐसा कुछ है। आगे से फ्रंट में भी इसका नेट है ये, तो फ्रंट में भी इसका नेट है बट ब्लैक कलर का है। तो आई लव ब्लैक कलर, तो मेरे पास ब्लैक कलर के क्लोथ्स अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं, तो मैंने इसको मंगा लिया। तो क्वालिटी की बात करें तो A1 है क्वालिटी ठीक है, एंड फिटिंग भी मेरे को एस साइज़ मंगाया तो मुझे एस साइज़ आ गया ठीक। टॉप के मार्क्स की तो मैं इसको मार्क्स करूँगी 5 आउटर 3 या 4, मतलब 3 या 4 में से कुछ कर दूँगी, बिकॉज इसका फ्रंट मतलब ना थोड़ा नेट का है, तो मैं हर जगह कम्फर्टेबल नहीं हूँगी क्या पता इसे पहनने के लिए। सो इस वजह से, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन परचेज। सो चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है मेरे पे, देन आप जज करना कि इसे लेना चाहिए कि समर। मुझे इसको पहन के ना गोवा जाने का मन कर रहा है, अब मैंने ड्रेस ले लिया, प्लीज मुझे कोई गोवा भी ले जा दो, ऐसा होता काश। तो ये ली है मैंने क्यूट सी ड्रेस, प्यारी लग रही है ना, और ये एयरिंग के साथ तो और भी ज्यादा। सो ये है ड्रेस, बहुत ही प्यारी है, कपड़ा भी बहुत सुंदर है एंड मैक्सी ड्रेस टाइप की है। तो अभी मैं आपको चल पहन के दिखाती हूँ। ये है आपकी 364 रुपीज़ की, तो ये ड्रेस है ओनली ऑन 364 रुपीज़ की, कपड़ा बहुत ही सुंदर है। अगर इसको मैं देना चाहूँ रेटिंग तो 5 out of 5 दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए। तो
आपको ये सब ड्रेसेस आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो इसके साथ साथ मैंने दो तीन आइटम और लिए थे मीशो से, तो मैं सोच रही हूँ वो भी आपको दिखा दिया जाए। सो लेट्स वेट। तो मेरे पास मेकअप बॉक्स नहीं था कई टाइम से, मतलब मेरे पास थे बट मुझे प्रॉपर चाहिए था, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग के टाइम पे मंगाए थे, तो ये मैंने मंगाए थे। देखो ये है वन एंड ये है टू, इनमें सामान रखा ना इसलिए हैवी हो रहा है। ये है थ्री, तो ये तीन का सेट था। तो ये 180 या ऐसे कुछ की उस रेंज में था, ठीक है। तो ये है सबसे स्मॉल साइज, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा है और ये सब मेरी बहन ने हथियार लिए हैं, अभी इससे एग्जाम मान जाएगा। ये मुझे अभी अभी खबर लगी है जब मैं इन्हें ढूंढने गई हूँ कि ये कहाँ है। तो ये है सबसे छोटू सा साइज। तो ये इसमें ना एक मिनट पर जो सबसे मैसी होगा उसको मैं आपको दिखाऊंगी ये क्या है। अच्छा सबसे बड़ा मेरे पास ही है ना, मुझे अपना सामान नहीं निकालना पड़ेगा ना। ये बॉक्स ठीक है, मेकअप बॉक्स है बट इनके अंदर ऐसी जेब वगैरह नहीं है, ये फुल्ली मतलब वो वाला भी मुझे लेना है एक पॉकेट वाला, बट ये पॉकेट वाले नहीं है, ये जस्ट ऐसे हैं एम्प्टी, मतलब कोई पॉकेट वॉकेट नहीं है, कुछ नहीं है इनके अंदर, सिंपल प्लेन है। बट ये है कि आपका सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा, देन उसके बाद आप ये तीन चीज़ें हैं, मतलब मोस्टली आप क्या कर सकते हो, बड़ा छोटे छोटे सामान इसमें रख सकते हो, फिर मीडियम सामान, देन सबसे बड़ा सामान इसमें रख सकते हो, फाउंडेशन वगैरह ये सब चीज़ें। सो मैंने अपने लिए तीन मंगाए थे एंड जैसे ही वो मेरे पास पहुंचे तो मेरी एक बहन बोलने लगी मुझे दे दे, एक बोली मुझे दे दे, फिर उसके बाद उनकी मुझे दे दे के चक्कर में फिर मुझे एक और मंगाना पड़ा। सो फिर मैंने मंगाया ये वाला 218 का, मतलब 218 रुपये का था इसका, मुझे प्राइस भी याद है। तो ये 218 रुपये का था बट उसमें तीन आए थे, इसमें पाँच आए हैं, इसके अंदर पाँच थे, मतलब ये सबसे बड़ा था एंड अभी रुको, फिर उसके अंदर ये छोटू सा है, अभी भी इसमें सामान नहीं रखा है कुछ भी। तो ये छोटू सा आया है, उसके अंदर आप लिपस्टिक वगैरह ऐसे कुछ रख सकते हो या अपनी सेफ्टी पिन या कुछ मतलब ऐसे क्लिप्स वगैरह ये सब चीज़ें रख सकते हो। ये छोटू सा है एक, देन सेकंड नंबर पे ये है, इसके अंदर भी ये भी मीडियम है, उसके मीडियम है एंड थर्ड नंबर पे वो है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ करंटली, ये टिफिन बॉक्स ऐसे लग रहे हैं। देन फोर्थ नंबर पे ये है एंड फिफ्थ नंबर पे ये है। बट ये है ना कि अगर आपको आपका सामान सारा बिखरा रहता है तो वो सब ये हो जाएगा कि सारा इसी के अंदर रहेगा एंड आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके लिए ये कम्फर्टेबल है एंड बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ही सस्ते हैं, काफ़ी सही रेंज है। क्योंकि मैंने मार्केट में भी पता किया था तो वो जस्ट एक ही मुझे 200 रुपये का दे रहा था और वो भी इनसे छोटा ही था। पर मैंने कहा क्या भैया मीशो में तो इतना सस्ता मिल रहा है तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो कहते हैं दीदी वहीं से मंगा लीजिए ना, मंगा लिया फिर हमने। तो कहते हैं दीदी वहीं से मंगवा लीजिए ना, फिर क्या मंगा लिया मैंने, अब पछता रहे होंगे। तो गाइस ये थी मेरी परचेज, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।